लेकिन सिक्के के जैसे दो पहलू होता है। अब एक पहलू आपको दिख रहा है कि वो प्रमोट करके लोगों को बर्बाद कर रहा है, लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि अगर प्रमोट ना करे, मैं वादा करता हूँ दोस्तों, इस वीडियो पर मैं जो भी बोलूंगा आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, सुनना, दिमाग चलाओ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ तो डाउनलोड करके खेलना शुरू कर दो। अगर गेम से ही इतना पैसा मिल रहा तो इतना ज्यादा झंझट कोई करेगा ही नहीं, है कि नहीं। अब अगर पैसा नहीं कमाएंगे तो यूट्यूब पर भाषणबाजी क्या ही करेंगे यार, कोई फायदा है नहीं है। कहीं पर अगर काम करूंगा तो पैसा मिलेगा। कंपनी से स्क्रीनशॉट और स्क्रीन रिकॉर्डिंग आता है कि भाई बस आपको ऐसा ऐसा बोलना है, यहाँ तक कि दोस्तों यहाँ पे स्क्रिप्ट भी आता है कि ऐसा ही बोलना है। तो आए दिन दोस्तों आप लोग सुनते रहते हो कि एक लड़का जो ऐसे गैम्बलिंग एप्लीकेशन पर या फिर सट्टेबाजी एप्लीकेशन पर लाखों रुपया हार जाता है, ठीक है। हाल ही में मैंने एक वीडियो भी बनाया था इस पर, मैं आप लोगों को बताया था कि बिहार का एक लड़का है जो दोस्तों 96 लाख रुपए हार जाता क्रिकेट के सट्टा में, यहाँ पे लाखों लाखों रुपए हार रहे हैं, आखिर इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है। देखो उस वीडियो पर मैंने एक बात क्लियर किया था और वो है जो इन्फ्लुएंसर इस तरह का एप्लीकेशन को प्रमोट करता है, लेकिन क्या सच में सिर्फ वही जिम्मेदार है जो इस तरह का एप्लीकेशन को प्रमोट कर रहा है? आज की इस वीडियो पर डिटेल में जानेंगे, ठीक है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को जानना भी जरूरी है और आप लोग को इस वीडियो को देखना भी जरूरी है। मैं वादा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो पर मैं जो भी बोलूंगा आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, सुनना, तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। देखो दोस्तों आए दिन ऐसा कुछ होता रहता है, काफी सारे लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। भाई साहब क्या करेगा यार, लाखों रुपया कोई अगर हार जाता तो क्या ही करेगा। देखो जो इस तरह का प्रमोट करता है एप्लीकेशन को वो तो रिस्पॉन्सिबल है ही, लेकिन सिक्के के जैसे दो पहलू होता है। अब एक पहलू आपको दिख रहा है कि वो प्रमोट करके लोगों को बर्बाद कर रहा है, लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि अगर प्रमोट ना करे तो फिर वो इन्फ्लुएंसर पैसा भी नहीं कमा पाएगा, ठीक है। अब पैसा के लिए तो कोई यूट्यूब पर वीडियो बना रहा, मान लो कि बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, ठीक है, कोई यूट्यूबर एक है जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, पर डे वीडियो डालता है और उसका वीडियो पर आता है 50 से 60 हज़ार व्यूज, तो 50 से 60 हज़ार व्यूज पर एडसेंस से बहुत कम पैसा मिलता है, ठीक है। अगर आपका एक नॉर्मल कैटेगरी है अर्निंग क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, कोई आपका अगर चैनल नहीं है, ऐसे कुछ नॉर्मल चैनल है इस पर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, तो एडसेंस आपको ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा। अब आपको ज़्यादा पैसा कमाने के लिए आपको स्पॉन्सरशिप करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि जितना भी स्पॉन्सरशिप आपके पास आएगा सब अच्छा ही एप्लीकेशन होगा, बहुत सारे ऐसे गेमिंग एप्लीकेशन आएंगे जिस पर आपको अपने रिक्स पर खेलना होता है। उस वीडियो पर बोला भी जाता है कि भाई रिक्स पर खेलो, अपना रिक्स पर खेलो, दिमाग चलाओ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ तो डाउनलोड करके खेलना शुरू कर दो, ऐसा नहीं करना पड़ता है। देखो उस वीडियो पर ये क्लियर तो कोई इन्फ्लुएंसर नहीं बोलेगा कि भाई इस गेम को मत खेलो, मैं प्रमोट कर रहा हूँ इस गेम को मत खेलो, ऐसा तो बोलेगा नहीं, क्योंकि उसको पैसा मिलता है उसको प्रमोट करने के लिए। अब आपका भी तो थोड़ा सा ध्यान रहना चाहिए। अब वो जो इन्फ्लुएंसर है वो पैसे के लिए कर रहा है क्योंकि उसको पैसा कमाना है। अब मेहनत कर रहा तो जाहिर सी बात है उसको पैसा कमाना ही पड़ेगा। मेहनत के बदले अगर पैसा ना मिले तो कौन यहाँ पर यूट्यूब पर वीडियो बनाएगा, नहीं बनाएगा कोई। यानी दोस्तों पैसे कमाने के लिए वो लोग प्रमोशन करते हैं। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे माइंड लगाना है, दिमाग से सोचना है कि भाई वो पैसे के लिए इस तरह का एप्लीकेशन को प्रमोट कर रहा है, ना कि इस गेम से सच में पैसा कमाया है वो, ठीक है। काफ़ी सारे ऐसे एप्लीकेशन होते हैं दोस्तों जो यूट्यूबर प्रमोट करता है वो खुद भी यूज नहीं करता है, कंपनी से स्क्रीनशॉट और स्क्रीन रिकॉर्डिंग आता है कि भाई बस आपको ऐसा ऐसा बोलना है, यहाँ तक कि दोस्तों यहाँ पे स्क्रिप्ट भी आता है कि ऐसा ही बोलना है, 10 दिन में कमा लिया लाख रुपया, ऐसे बोलना भी पड़ता है, क्या करे। कंपनी बोल रहा है कि ऐसा बोलना ही पड़ेगा तो ही मैं पैसा दूंगा, तो क्या करेगा यूट्यूबर, मना भी नहीं कर सकता है, तो ऐसा बोलना पड़ता है। अब जब वीडियो पर ऐसा बोल देता है तो फिर आप लोग उस चीज़ को सही में एक्सेप्ट कर लेते हो कि भाई ये यूट्यूबर सच में पैसा कमाए इस एप्लीकेशन से, तो चलो हम लोग भी डाउनलोड कर लेते हैं। और डाउनलोड जहाँ से किया आप चल जाते हो एकदम अंदर, ठीक है, घर गुश्ती जितना भी है सबका पैसा लेकर के डूब जाते हो। ऐसा नहीं करना भाई, थोड़ा सा दिमाग चलाना है। अगर कोई यूट्यूबर प्रमोट कर रहा है किसी एप्लीकेशन को तो पैसे के लिए कर रहा है, ना कि आपको पैसा कमवाने के लिए, ठीक है। अगर ऐसा होता तो यूट्यूबर जो वीडियो बना रहा वो तो गेम खेल के ही पैसा कमा लेता, फिर यूट्यूब पर यहाँ पे भाषणबाजी करने की क्या जरूरत है, कोई करता ही नहीं। अगर इतना ही गेम में पैसा मिल रहा है तो यूट्यूब पर इतना मेहनत करके क्या फ़ायदा। एक वीडियो को शूट करो, उसके बाद उसको एडिट करो, थंबनेल बनाओ, अपलोड करो, कितना ज़्यादा झंझट। अगर गेम से ही इतना पैसा मिल रहा तो इतना ज़्यादा झंझट कोई करेगा ही नहीं, है कि नहीं। मान लो कि कोई यूट्यूबर कोई एप्लीकेशन को प्रमोट किया, अब अगर आपका दिमाग ज़्यादा काम नहीं भी कर रहा, ठीक है, तो मान लो कि आपने उस पर विश्वास करके उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया। अब डाउनलोड करने के बाद आपने खेलना शुरू किया, मान लो कि आपने 100 रुपया हार गया, तो फिर छोड़ दो और मत खेलो, समझ जाओ वहीं पर कि ये एप्लीकेशन फ्रॉड है, भाई साहब इसमें मेरा पैसा लूटने वाला है, क्योंकि 100 रुपया आप पहले हार चुके हो। अब ऐसा नहीं करना कि मैं 100 रुपया हारा तो और कहीं से 100 रुपया जुगाड़ कर लेता हूँ, इस 100 रुपया को भी रिकवर कर लूँगा। ऐसा अगर आपका माइंड चलेगा
तो आप फंसते चले जाओगे फंसते चले जाओगे, और 100 रुपया कब 1000 में बदलेगा, और 1000 कब लाख में बदलेगा, और लाख कब करोड़ में बदल जाएगा आपको खुद पता नहीं चलेगा। ठीक है, बहुत खराब लत है ये सब, सही में बता रहा हूँ। देखो यूट्यूबर का तो यहाँ पे पैसा कमाने के लिए स्पॉन्सरशिप करना ही पड़ेगा, उसको तो मना नहीं कर सकते कि भाई तुम क्यों स्पॉन्सरशिप कर रहा है। अब यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि भाई जो यूट्यूबर इस तरह के एप्लीकेशन को प्रमोट कर रहा, थोड़ा सा सोच समझ करके थोड़ा सा जेन्युइन ऐप को प्रमोट करो। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम हो जाता है भाई कि हर टाइम जेन्युइन ऐप भी नहीं आता। ठीक है, जो जेन्युइन ऐप होता है ना उसको प्रमोशन करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ता, वो ऐसे ही बहुत ज़्यादा चलता है। जिसको जिसका नहीं चलता है, जो थोड़ा बहुत फ्रॉड करता है, उसी का स्पॉन्सरशिप आता है, तो करना पड़ता है मजबूरन। ठीक है, हम लोग भी कभी कभी ऐसा एप्लीकेशन का प्रमोट कर देते हैं पैसे के लिए, क्या ही करूँ यार। अब 1000-2000 व्यूज आ रहा, अब हम लोग के पास बड़ा कोई कंपनी तो आएगा नहीं, कोई जेन्युइन कंपनी तो आएगा नहीं नहीं आएगा, इसलिए रमी ये सब आता है। अब करना पड़ता है, पैसा के लिए करना ही पड़ेगा, है कि नहीं। अब अगर पैसा नहीं कमाएंगे तो यूट्यूब पर भाषणबाजी क्या ही करेंगे यार, कोई फायदा है नहीं है। कहीं पर अगर काम करूँगा तो पैसा मिलेगा, तो इसी तरह यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हूँ, मेहनत कर रहा तो पैसा मिलेगा, तो ही तो वीडियो बनाऊंगा ना। तो इसलिए दोस्तों यूट्यूबर को इन्फ्लुएंसर्स को इस तरह के एप्लीकेशन का प्रमोशन करना पड़ता है। लेकिन अगर आप हार रहे हो तो इसके पीछे कहीं ना कहीं आप भी जिम्मेदार हो, आपको भी थोड़ा बहुत सोचना चाहिए कि भाई इस पर अगर मैं पैसा लगा रहा हूँ और सारा पैसा अगर हार रहा हूँ, इसका मतलब जरूर इस एप्लीकेशन में कोई ना कोई मतलब काला धंधा है। ठीक है, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे गलत हो रहा है, तो आप छोड़ दो उसको, डिलीट कर दो, एकदम लॉग आउट कर दो। ठीक है, आप अपना फ़ोन से ही उसको एप्लीकेशन को हटा दो, क्योंकि बहुत खतरनाक ऐप है, आप जान जाओ। उसके पीछे आपको पड़े नहीं रहना, क्योंकि धीरे धीरे लत लगना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों यही था वीडियो, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ चुका है कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव भी लगा, तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।